शान्तं शाश्वतं प्रमेयमन्धं निर्वाणशान्ति प्रदं ब्रह्मा शम्भुपनिन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूरामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हम गुरुग्राम में हैं, या हनुमान जी का दर्शन करने के लिए भी हम पहुंचे थे अभी बड़े एक प्रसिद्ध मंदिर में। लगभग 200 साल पुराना प्राचीन मंदिर है जहां हमने अभी दर्शन किया, और इसी कड़ी में ज्योतिषाचार्य चेतना गाला जी से मुलाकात हुई, जो कि आप गुरुग्राम में रहती हैं। और बातों के क्रम में आपने बताया कि हनुमान जी का एक ऐसा महा उपाय है जो सरल उपाय है, जैसे व्यक्ति अगर करे तो निश्चित तौर पर फलों की प्राप्ति हो जाती है। पहला स्वागत है आपका जी। जय श्री राम। सभी राम, जैसे कि आप जानते हैं हनुमान जी जो कि सब कुछ कर देते हैं, आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं इस बारे में अनुभव कर सकता, जान सकता। तो एक महा उपाय जिसको करने मात्र से आप जितनी बड़ी दुविधा में भी हैं उससे भी आपको निजात मिल जाएगी और बहुत जल्द फायदा होगा। एक पान का बीड़ा लीजिए और उसे मंदिर में हर मंगलवार चढ़ाइए। कम से कम इस उपाय को 11 मंगलवार करेंगे तो बहुत फायदा होगा। करके देखिएगा और हमें अपना अनुभव भी बताइएगा। यही तो बड़ा ये सरल उपाय है, पान का बीड़ा, जिसमें कि भक्तों को पता भी है इसमें चूना और कसैली नहीं डालते। नहीं, चूना कसैली नहीं डालते, बाकी सब डलेगा और आप चढ़ाइए। वैसे भी अगर हनुमान जी का पान का बीड़ा चाहिए कहीं बोलेंगे तो सबको नॉलेज है कि कैसा हनुमान जी का बीड़ा होता है पान का, तो कहीं भी आपको आसानी से मिलेगा। और ये बहुत ही सरल उपाय है जिसको करने में ना आपका ज़्यादा खर्चा आएगा ना ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको कीजिए। सिर्फ 11 मंगलवार आप कीजिए, करके देखिए। सिर्फ 11 मंगलवार कीजिए और आपको सोचा भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी आपको समस्याओं से निजात मिल जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना कुछ आपको प्रभु श्री राम दे देंगे। जी जी। अच्छा, ये जो पान का बेड़ा है, घर के मंदिर में भी हनुमान जी अगर स्थापित हैं वहाँ भी चढ़ा सकते हैं या फिर मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर मैं तो ये कहूँगी अगर कोई मुश्किल है, कई बार होते हैं मंदिर दूर है कुछ, तो अपने मंदिर में चढ़ाइए, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल यही रहेगा कि आप मंदिर जाएं, घर के मंदिर में ना चढ़ाकर मंदिर जाकर चढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको ये, क्योंकि देखिए शुद्धता, उसके बाद उसका पान के बीड़े का करना क्या है, सब क्या करना है, तो पंडित जी बहुत अच्छे से ज्ञात होता है उन्हें कि इस पान के बीड़े को कैसे प्रसाद में वितरित करना है या क्या करना है। और आप तो घर में रखेंगे फिर थोड़े दिन बाद किसी पेड़ के नीचे रखाएंगे या तो या फिर बहा देंगे कहीं या कुछ करेंगे, कई बार बहाने का तो योजन ही नहीं मिलता, बहुत दूर होता है सब कुछ, तो उसमें मुश्किल आ जाएगी, इसीलिए सिर्फ 11 मंगलवार तो करना है। जी जी जी। तो और कई बार ये भक्तों की जिज्ञासा होती है कि उस पान के बीड़े का करें क्या, तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी किया जा सकता है, ये आपका भी अनुभव? अनुभव है, मेरा खुद का अनुभव है, बहुत कुछ दिया है हनुमान जी ने, और ये उपाय बहुत लोगों को बताने के बाद उनके भी अनुभव सुन के तब आपको उपाय बता रहे हैं। जो भी उपाय यहाँ चैनल पे आता है वो अनुभव किया हुआ है, बहुत लोगों द्वारा किया गया और पर्सनल भी अनुभव किया हुआ है, तभी आपको बताया जाता है, तो करें जरूर। और एक बहुत अच्छी बात है जिसको हम लोग कार्यों के लिए कहते हैं कि हमने बेड़ा उठाया है ये कार्य करने का, तो बेड़ा हम पान का चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपके कार्यों का बेड़ा उठा लेते हैं। बिल्कुल, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए उनको बेड़ा दे दीजिए, अपने अपना बोझ हनुमान जी को दे दीजिए, वो स्वयं ही आपका सारे बोझ हल्के कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।